तेरी पोल खुलने के बाद इतने अच्छे से खामोश बैठा हूँ तो सर पे चढ़ी है तू? मुझे खामोशी का नाजायज फायदा उठा रही है तू? खामोश क्यों, बता दो सबको। अब मैं किसी से नहीं डरती सीधी। ये मोहल्ले में खड़े खड़े तमाशा लग जाएगा, और ये तमाशा सिर्फ मोहल्ले तक नहीं जाएगा, जंगल की आग की तरह फैल जाएगा। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी तू। तो लगा लो ना तमाशा, रोका किसने? मैं तो वैसे इस लफड़े से निकलना चाह रही हूँ, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल। और मेरी सोच इस मोहल्ले में आग लगाने से आगे की है। वी लॉगर को बुला रहा हूँ, मीडिया वाले को, उसको स्टोरी दे दूंगा। बुला लो, दे दो स्टोरी, मेरा क्या लेना देना मीडिया वालों से? तेरा नहीं, तेरे मालिकों का तो है। जरा सोच, ये बात मीडिया में बम की तरह फटेगी कि दिलावर साहब के साथ काम करने वाला ऑफिस में दरअसल उसका ऑफिस बॉय नहीं, एक लड़की है, एक नौजवान खूबसूरत लड़की, और ये जानते हुए भी दिलावर साहब ने उसको अपने साथ रखा हुआ, करीबी ताल्लुकात हैं उनके, और अभी उनकी मंगनी हुई है हुरिया मैडम से, उनका रिश्ता खाक में मिल जाएगा और उनका करियर भी। और तुझ जैसी धोखेबाज लड़की को ना कोई नौकरी देगा और ना कोई शादी करेगा, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देख, दिलावर साहब को बचाना अब तेरे ही हाथ में। तूने ही उनको बताया था ना कि कॉलेज के बाहर उस लड़की पर तेजाब मैंने फेंका था। अब तू ही पुलिस को बताएगी कि ये सब तूने जाति दुश्मनी के बिना पर किया है, मैंने कुछ नहीं किया। याद रखना,